100 डेज 100 गेम्स चैलेंज का आज है डे 15। तो तुम लोगों ने एक शो तो देखा ही होगा जिसका नाम था स्टोरेज वॉर्स, जिसके अंदर हमें पुरानी स्टोरेज यूनिट्स खरीदनी होती है और उसके अंदर जो सामान निकलेगा उसके हिसाब से हमारी कमाई होती है। अगर तुम लोगों ने वो शो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज ये जो गेम खेलने वाले हैं जिस गेम का नाम है स्टोरेज हंटर सिमुलेटर, ये गेम एग्जैक्टली उसी शो पर बेस्ड है। तो सीन क्या होता है भाई, हमें काफी सारे स्टोरेजेस दिए जाते हैं और फिर एक एक करके उन स्टोरेजेस का ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में मान लो एक स्टोरेज सेलेक्ट किया जाता है और फिर काफी सारे लोग होते हैं जो उस स्टोरेज में इंटरेस्टेड होते हैं और फिर हमें उस स्टोरेज का डोर ओपन करके दिखाया जाता है कि देख लो भाई ये सब तुम्हें सामान मिलेगा। और उसके बाद फिर लगाई जाती है बिडिंग। यस, उस स्टोरेज की बिडिंग होती है और बंदे बिड करते हैं और जो मतलब उस बिड को जीतता है वो स्टोरेज उसका हो जाता है। अब स्टोरेज में कुछ कीमती सामान भी निकल सकता है, कबाड़ा भी निकल सकता है और कोई एक ऐसी छोटी मोटी रेयर चीज भी निकल सकती है जिससे तुम रात और रात मिलियनर बन जाओ। तो यस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, मजा आने वाला है भाई। तो ये सिंपली देखो भाई, अभी डेमो वर्जन है, ये फुल्ली रिलीज नहीं हुआ है, जल्दी फुल्ली रिलीज होने वाला है ये गेम। खैर आ जाओ भाई, स्टोरेज वगैरह खरीदते हैं और देखते हैं हम लोग कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। वैसे ये मैडम थोड़ी रोबोटिक सी क्यों लग रही है। हेलो हेलो मैडम, फिजिक्स तो है यार गेम में। ये देखो मैडम के जो कपड़े हैं, नीचे के जो शर्ट बांध रखी है इन्होंने, क्या मस्त हिलडुल रही है। और ये थोड़ी अकड़ी हुई क्यों है यार, ये हाथ टूटा हुआ क्यों लग रहा है। खैर अभी गेम डेमो वर्जन में डेफिनेटली कुछ फिक्सेस हो जाएंगे। ये है मेरा घर, काफी ज्यादा छोटा सा घर। ये है टॉयलेट जहाँ पर शावर नहीं है, नहाएगा कहाँ बंदा। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, नहाऊ कहाँ मैं। और शीशा कैसा है ये। खैर भाई छोड़ो ये, क्या किचन ठीक है, किचन तो ठीक ठाक ही। अब फ्रिज तो भाई साहब, ये तो लगता है इन वाली आंटी के परदादा ने ये फ्रिज खरीदा होगा भाई। और ये है अपना बेडरूम जहाँ पर बेड फिर से परदादा के जमाने का बेड और परदादा के जमाने का ये मैट्रेस है। मैट्रेस की तो गंद मची पड़ी है भाई। और ये है ब्यूटीफुल व्यू, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है यार, कुछ भी कहो क्वालिटी बढ़िया है गेम की। टीवी भी है मेरे पास, वाओ परदादा वाले जमाने का टीवी। घड़ी है यहाँ पर, घड़ी काम कर रही है क्या। ना भाई घड़ी काम नहीं कर रही। वैसे हाँ घड़ी अपने होम स्क्रीन पे भी है, वो देखो ऊपर कोने में सुबह के 9 बज रहे हैं। और कौन सा इलाका है जहाँ पर सुबह के 9 बजे अभी तक सूरज नहीं निकला है। हेलो पड़ोसियों, कैसे हालचाल, मैं तुम्हारे इलाके में एक नया बंदा हूँ। हेलो हाय कुछ तो करो। अरे आंटी कुछ तो हेलो हाय, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो जिंदगी में। मेरे पास $750 है, ऑक्शन पता नहीं कहाँ हो रहा है। गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले, तो ये मेरी गाड़ी है। वंस अगेन परदादा ने ट्रांसफर की है ये गाड़ी मेरे नाम पे। बैठो भाई, ओ गाड़ी तो फास्ट सी लग रही है। गो टू द गैस स्टेशन, गाड़ी में तेल लिया भाई, तेल भरवा के लाते हैं गाड़ी में। ओह वाइब तो अच्छी है यार, ये गेम मुझे पता नहीं उस गेम की याद क्यों दिला रहा है, रेंज सिमुलेटर। यस उसकी थोड़ी बहुत याद आ रही है, उसमें भी ऐसी कुछ वाइब थी। फ्यूल भर दो भाई साहब, गाड़ी से उतरना पड़ेगा क्या। ये बैठे बैठे भी फ्यूल भर सकता हूँ मैं। हेलो ओ बैठे बैठे भी रिफ्यूलिंग हो रही है, क्या बात है। अरे गाड़ी रुकेगी कैसे भाई, फ्यूल टैंक करवा लिया फुल और मेरे पैसे गए। अब हमें ऑक्शन वाली जगह पे जाना है। यस रियल मसाला इस गेम का वो ऑक्शन, और वो ऑक्शन को परचेज करना और उस ऑक्शन के अंदर चीजें। ओह लैम्बोर्गिनी ले रहा भाई कोई तो, ये कारफोर सेल वाली लैम्बोर्गिनी क्यों लग रही है भाई। यार इसकी हैंडलिंग बहुत बेकार है इस गाड़ी, और पहिया अटक गया। शिट मैं अभी ऑक्शन तक पहुंचा भी नहीं और मेरी गाड़ी का व्हील अटक चुका है, दिस इज सो बैड। अरे यहाँ तो गैप भी है ट्रैश कैन और गाड़ी के बीच में, ये गाड़ी अटक कैसे गई। अरे दुखी कर दिया भाई, गेम रीस्टार्ट करो। ओके वी आर बैक, बस स्टॉप पे बंदे इंतजार कर रहे हैं, डिटेलिंग तो है गेम में। और यहाँ पर हमें जाना है ऑक्शन वो स्टोरेज वगैरह खोलने के लिए भाई। ये मैं ऑफ रोडिंग की तरफ क्यों जा रहा हूँ। हेलो अरे गलती आ गया मैं तो। ओके वेलकम वेलकम टू द स्टोरेज सेक्शन, गाड़ी को पार्क करते हैं यहीं कहीं साइड में। कैनेडियन फ्लैग लगा हुआ है, डैट मीन्स कि ये कैनेडा की कोई सिटी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस। ओके तो यहाँ पर चार ऑक्शंस है, चार स्टोरेजेस है, नहीं स्टोरेज तो काफी सारी है। ये क्या लिखा है फिर, विलेज पीपल वैली, ये पहला है स्टोरेज, विलेज पीपल वैली 2 ये दूसरा स्टोरेज है। पहला स्टोरेज अनलॉक होने वाला है 8 बजे सुबह के, और ये भी 8 बजे। इसका ओपनिंग प्राइस है $77, इसका है $130। आई गेस सस्ते वाले के लिए चलते, वैसे भी अपने पास ज्यादा पैसे है नहीं। इसके लिए मैंने साइन इन कर दिया है और अब बस वेट करना है कितने बजे का। हेलो
सुबह के 8 बजे का। अबे तो 11 बज रहे हैं अभी। अरे ऑक्शन फिर कब है? अगले दिन? ओ नहीं नहीं वो तो रहा। ओके तो ऑक्शन आई गेस कभी भी शुरू हो सकता है। ये देखो गाइस, अब ये स्टोरेज है, अभी हमें ये लोग ओपन करके दिखाएंगे। पहले यहाँ पर ये देखो भाई, देख लो सारा सामान क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है ओके, वॉशिंग मशीन वगैरह है। अभी बिडिंग शुरू होगी, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं। देखो गाइस रूल ये है कि तुम स्टोरेज के अंदर जाके चीजों को उठा के चेक नहीं कर सकते, बाहर से ही चेक करना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो ये लग रहा है तुम्हें मेरे पैसे निकल जाएंगे, देखते हैं। आ जाओ खरीदते हैं, आई एम गोना बिड भाई। तो बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर और बिड करते हैं। $87 की बिड चल रही है इस वक्त। $97 की बिड पहुंच गई। ओ भाई साहब $127 आ रहा है, मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा है यार। ठीक है मैंने बिड कर दिया। $207 तक की बिड पहुंच गई है, मैंने भी बिड कर दिया। लो आई $227 का हाईएस्ट बिडर हूं मैं। अबे मान जा तेरी। ओके मैंने फिर से बिड कर दिया। ये ऊपर की तरफ देख सकते हो गाइस बिडिंग अपने लिखे आ रही है। और यहाँ पर मैं ओके ये सोल्ड, मैंने मेरी पहली स्टोरेज यूनिट खरीद ली जो कि $267 की पड़ी है। नुकसान ना हो जाए मेरा। तो सारे बंदे गायब, ये जगह है मेरी। वाओ यिप्पी यार, क्या है ये क्या एनिमेशन है भाई। स्टोरेज ओपन करते हैं, क्या क्या चीजें मिली है भाई। ओ यहाँ पर देखो वेरीफाई का ऑप्शन है, तो मैं यही पता कर सकता हूँ कि ये जो आइटम है उसकी कितनी वैल्यू है। तो इसकी टोटल वैल्यू है भाई $54। नाइस। इसकी टोटल वैल्यू है $30। ठीक है इसकी क्या वैल्यू मिलेगी कचरे की भाई? $2। चलो ठीक है इसकी क्या वैल्यू होगी, वेरीफाई करते हैं। $42। आर यू सीरियस? एक पुरानी सी बुक पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू है $23। और एक पुरानी सी चेस्ट पड़ी हुई है, इसको खोल सकता हूँ क्या मैं? हेलो एक्सक्यूज मी कैन आई ओपन दिस? यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ओ चेस्ट के अंदर भी आइटम्स है। सबसे पहले तो चेस्ट देखते हैं कितने की है। चेस्ट है $15 की, उसके अंदर पड़े हुए हैं ये एक जग है जो कि है $38 का। भाई साहब मैं आराम से प्रॉफिट बना सकता हूँ। ओके इसको स्कैन करने के लिए वेरिफिकेशन लेवल 2 का चाहिए और मेरे पास वेरिफिकेशन टूल है आई गेस। कौन से लेवल का? लेवल टूल्स ही अभी अनलॉक नहीं कर सकता मैं। ठीक है तो आई गेस गाइस अभी इन चीज़ों को हमें गाड़ी पे लोड करना चाहिए। यस तो इसको पिक करते हैं पहले। तो आ जाओ पहले रुको, ये इंस्टेंट बेच सकता हूँ मैं। इसको $4 मिले, इसके $5 और इसके $2। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इसको इंस्टेंट बेच देते हैं। ये क्या चीज है? ड्राइंग सेट $17 का। ठीक है यार मुझे लग रहा है ज्यादा नुकसान हुआ है। ये क्या पेंटिंग का सामान लग रहा है? ये तो $14 का। ठीक है और एक और चीज रह गई, ये है एक फूड कंटेनर मिलिट्री का, $23 का ये है। इन सारे आइटम्स को एक काम करते हैं उठा के। ओ वेट मेरे पास कोई सुपर पावर्स है क्या यार? एक काम करते हैं रुको, पहले गाड़ी लेके आता हूँ मैं। गाड़ी में रख के इसको घर ले जाके बेचेंगे। तो ये सीन होता है भाई। आई होप तुम लोग समझ गए होगे क्या है इस गेम का मामला पानी। कुल मिला के स्टोरेज यूनिट हमें शो करेंगे, उसके लिए बिडिंग होगी। वाओ व्हाट अ ड्रिफ्ट। फिर उस बिडिंग के बाद ये बताया जाएगा कि ये आपका गैराज है और आपको ये सामान मिला है। सिंपल। चलो भाई ये लेकर चलो, यहाँ पर रख दो, ये सब बिक जाएगा, ये ऑनलाइन बिक जाएगा सारा। स्ट्रंक को भी ले चलो भाई, स्ट्रंक में जो सारा सामान है उसके साथ ही ले चलो, गिर ना जाए प्लीज डोंट फॉल। ओ ओ गिरा गिरा, बच गया, नहीं गिरा। सब कुछ एक के ऊपर एक लोड करने वाला हूँ मैं। ओके प्लीज गिरना मत भाई। ले भाई ये पेंटिंग वाला मामला पानी गिर रहा है। अरे टिक जा भाई गाड़ी के ऊपर टिक जा। और कुछ नहीं बचा स्टोरेज में? ठीक है। ओ नहीं वेट, ये क्या है? नेकलेस। इसका क्या मिलेगा? $14 रख ही लेते हैं गाड़ी में। आई गेस हम लोगों ने बिल्कुल सफा चट कर दिया इस स्टोरेज यूनिट को। अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ये सारा सामान। शिट कुछ गिर गया, और कुछ तो नहीं गिर गया। अरे यार एक तो मेरे सामान गिर के बिखर रहे हैं भाई। ट्रक भैया प्लीज अब शांति से चल लो यार, रिक्वेस्ट। अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, ये तो सामान गिरे ही जा रहे हैं। ये एक तो मग्गे ने परेशान किया, इसको साइड में रखो इधर ही। आई होप अब कुछ ना गिरे इसमें से। लेट्स गो। अगर अब की कुछ गिरा ना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगी मुझे। स्पीड ब्रेकर पे ओके कोई फर्क नहीं। ठीक है अब अपने घर की तरफ चलना है और वहां पर पता नहीं क्या करना है। चलो वो तो वहां पहुंच के ही पता लग जाएगी। ये किसकी गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे? मैं ऑफ रोडिंग करते हुए जा सकता हूँ क्या? हेलो। ओ घर नहीं जाना है, इन आइटम्स को लेके अब वेयर हाउस जाना है। ओके तो वेयर हाउस में ले जाके एंड देन वहां पर मैं इन आइटम्स को सेल कर सकता हूँ। अब बढ़िया इजी मनी। अरे आराम से भाई, क्या गाड़ी है ये? सारे आइटम यही टूट के बिखर जाएंगे यार। तो ये है अपनी स्टोरेज और मैं हमेशा की तरह उल्टे रास्ते से आया हूँ। वेट वाओ, बगल में ही बीच।
अरे यार मैं गलत ही डायरेक्शन से आया हूँ सच में ही। आई एम गोना स्टक भाई, मैं फिर से स्टक होने वाला हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ओके यहाँ से एंट्रेंस है एटलीस्ट। हैंडलिंग बहुत बेकार है यार गाड़ी की। ले भाई यहाँ से तो रास्ता ही नहीं आ रहा है, किधर से आऊँ मैं भाई फिर। ले इधर भी गाड़ी लगी पड़ी है, टर्न से यहाँ गाड़ी लगी पड़ी है। ओके नाइस, पार्क करो शांति से। और ये है अपना स्टोरेज, आई मीन वेयर हाउस, जहाँ पर हम लोग 20 आइटम रख सकते हैं। सारे मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक आइटम ले सकता हूँ और एज ए ट्रॉफी अपने घर में सजा सकता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मैंने चेन ले लिया, यस उस चेन को एज ए ट्रॉफी अपने घर में सजा देंगे। अबे लेकिन चेन गई कहाँ? हेलो एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द चेन भाई? अच्छा यहाँ गिर रही है चीज़ें, ये रही चेन, इसको घर लेकर चलते और सजा देंगे अपने घर में। अरे घर की तरफ जाने का रास्ता कहाँ है? ये है क्या, ये कच्चा रास्ता? मैं कह नहीं रहा भाई, मुझे इस गेम को खेल के पता नहीं रैन सिमुलेटर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है सच में, उसके अंदर सेम ऐसी माहौल पानी होता है। अबे एक सेकंड, मेरा घर कहाँ है? मैप पे तो यही डायरेक्शन दिखा रहा है यार। ओ हाँ यही तो गली है आगे। ओके तो मेरा जो स्टोरेज है, अबे वाओ दिस इज एपिक, दिस इज लिटरली एपिक, इससे ज्यादा बेवकूफी वाली चीज नहीं हो सकती भाई। मैंने यही सामान रखा और अपना घर ढूंढने के लिए निकल गया। ये तो घर, ये किसका है? ये मेरा ही तो घर है। भाई यार क्या है ये गेम, तो मैप में उतनी दूर क्यों दिखा रहा है ये घर? खैर इसको लेकर चलते हैं यार और घर में एज अ ट्रॉफी रखते हैं इसको। मेरा वो नेकलेस खो गया, मेरा वो नेकलेस सीरियसली में खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया यार। लेकिन कुछ तो घर में ट्रॉफी के लिए रखना है, ठीक है कुछ और ही चीज़ रख लेते हैं। यार मेरा वो नेकलेस खो गया, इधर ही गिर गया यार, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है एज अ ट्रॉफी मैं इस मग्गे को रख रहा हूँ, ठीक है इसको रख देते हैं स्टेबल। अब एक काम करते हैं, ये जो ऑक्शन से हमें सामान मिला है इसको सेल पे लगाते हैं यार। तो इसे लगाते हैं कार बैटरी को, फिर इसे भी, ड्राइंग सेट, ये सब लगा देता हूँ मैं। ये आइटम नहीं लगा सकता क्योंकि इसका हमें पता नहीं है इसकी रियल वैल्यू क्या है। भाई साहब इतनी जल्दी खरीदने वाले बंदे भी मिल गए, आर यू सीरियस? ठीक है तो कार बैटरी $42 की बिक रही है, ये $17 का बिक रहा है। ठीक है यार पैसा तो बना रहा हूँ यार मैं, भाई मैं तो पैसे ही पैसे बना रहा हूँ। एक सेकेंड, $220 तो मेरे निकल गए और 267 का मैंने खरीदा ही था लेकिन फायदा नहीं हुआ मेरा कुछ। कुछ टूल्स भी अब मैं परचेज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक फिक्सिंग टूल्स जो कि $500 का आएगा। इससे होगा क्या कि मान लो मैंने ऑक्शन में खरीदा कुछ और वो चीज़ थोड़ी टूटी फूटी है तो मैं खुद ही उसको रिपेयर करके एंड देन बेच सकता हूँ। ठीक है बस $198 बचे, बस मैंने सारे आइटम तो बेच दिया, अब किसकी क्वालिटी फिक्स करूँ मैं? मैंने सब कुछ तो बेच दिया यार, अब क्या ही क्वालिटी फिक्स करूँ, छोड़ो। अब हम लोग कल फिर ऑक्शन पे चलेंगे एंड आई गेस कुछ तो बढ़िया आइटम मिलेगा हमें। अभी तो सोने दो मुझे। तो सो गया मैं और मैंने अर्न किए $231, खर्च हुए मेरे $783। आर यू सीरियस? बेस्ट आइटम बिका वो वॉशर $54 में। ठीक है सुबह हो गई होगी आई गेस, यप सुबह के 8 बजे का, ऐसा मौसम कब से होने लग गया? खैर जो भी हो भाई, अभी फिलहाल वापस से ऑक्शन वाली जगह पे चलते हैं और देखते हैं क्या आज फिर से कोई ऑक्शन है, कोई ऑक्शन होगा स्टोरेज का। इस बार और तगड़ी स्टोरेज खरीदेंगे भाई ताकि अपने को तगड़े आइटम मिल सके। ओहो सिटी तो एकदम ही बढ़िया है। स्टोरेज वाली जगह कहाँ गई? शायद पीछे रह गई। लोम्बार्डोस पॉन शॉप। ओके तो यहाँ पर हम लोग पुराने आइटम आके बेच सकते हैं अगर कुछ रेयर मिलता है तो, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी रेयर नहीं है, बल्कि रेयर तो छोड़ो कुछ भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ स्टोरेज खरीदने। स्टोरेज कहाँ है? तो स्टोरेज वाले इलाके में आ चुके हैं और देखते हैं आज कोई स्टोरेज है क्या फॉर सेल। आज है भाई लगभग, यस है एक विलेज पीपल वैली नंबर 5 का स्टोरेज है जो कि 8 बजे शुरू होगा। ओपनिंग प्राइस है $57। साइन अप कर रहा हूँ मैं इसके लिए, आ जाओ गाइस। एक और स्टोरेज खरीदा जाए, वहां पर है वो, लेट्स गो। एक और स्टोरेज, इस बार पैसा बनाएंगे। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं वैसे, $198 है। किसी ने बिड इससे ऊपर पहुंचा दी, मैं बिडिंग कैसे करूंगा? चलो आ जाओ देखते हैं। तो स्टोरेज खोल के दिखाया जाए और यहाँ पर ओतरी आइटम्स तो काफी बढ़िया लग रहे हैं यार, आइटम्स तो बहुत सारे हैं। मुझे ये चाहिए स्टोरेज, प्लीज यार कोई ज्यादा बिड मत लगाना, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अब शुरू हो गए सारे ही। ओके मैंने $117 की बिड लगा दी, प्लीज कोई बिड। अरे मर जा चश्मे, अरे यार बंदे टूट पड़े इस स्टोरेज पे, अरे सारे ही टूट पड़े यार, मैं लेके जाऊंगा $157, प्लीज लेट मी हैव इट। कोई सा बोल मत जाना, मुंह तोड़ दूंगा मैं। बढ़िया मैडम, ओके डन डन डन, यस गाइस $157 में बेहतरीन स्टोरेज मेरे नाम हो चुका है। आ जाओ भाई देखा जाए क्या क्या मिला है, क्या क्या है मेरी किस्मत में।
तो ये तो इंस्टेंट सेल हो जाएगा $4 का। 157 में खरीदा है ना मैंने, या 167 में, समथिंग लाइक दिस भाई। और अपने प्रॉफिट बनने शुरू हो चुके हैं। ये सब आराम से $4-5 का बिक रहा है। ये क्या है भाई, वेरीफाई करते हैं इसे। $55 के डेंजरस डायमंड्स नाम का ये बोर्ड गेम है। ओके ठीक है, $55 का तो यही हो गया यार, और 157 मुश्किल से मैंने खर्च किया है। ये है $19 का, इसको ओपन करते हैं चेस्ट को। इसमें भी कुछ मिलेगा ही, ये वेस है शायद, वो प्लांट है एक। कितने डॉलर का ये प्लांट है भाई, अरे रुक जा कैसे रोल हो रहा है। $22 का वो प्लांट पॉट है, $12 का ये है स्पीकर। भाई साहब फायदा ही फायदा। ये $26 का है, ये कॉमिक बुक। $48 की ये कॉमिक बुक, आर यू सीरियस। और वो $10 की ये ब्लू टेप, $23 की। एक और बक्सा है ये शायद, ओके नहीं बक्सा नहीं है, पता नहीं क्या है बट कुछ तो है। इसे मैं ओपन नहीं कर सकते, हेलो नहीं। तो ये इंस्टेंट सेल में $1 का गया है, और ये भी इंस्टेंट सेल में $1 का, $4 का। यार ये तो बढ़िया आइटम्स मिल गए, अरे वाह मजे आएंगे अब तो, जिंदगी फुल अमीरों वाली। $59 है मेरे पास भाई, यहाँ से तो डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट होना ही चाहिए। और अगर नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस स्पीकर को रखते हैं, बढ़िया। चलो चलो चलो, मेरे को आइटम्स टच करने की भी जरूरत नहीं है। पहले मैट्रेस रखनी चाहिए थी यार, तुम्हें नहीं लगता मैट्रेस क्वालिटी इसकी बैड है? इसको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं। देखा वो टूल इसीलिए था, अब इसे मैंने फिक्स कर दिया। वो जो ₹500 का टूल खरीदा है, आई मीन $500 का, वो टूल इसलिए ही था। खैर इसको पहले रखते हैं नीचे मैट्रेस को। ओके आराम से, बढ़िया। एंड देन उसके ऊपर ये स्पीकर आ जाएगा। गिरियो मत भाई तू। ये फ्लावर पॉट इधर साइड में एडजस्टमेंट हो जाएगी क्या प्लीज़? हेलो लिटिल एडजस्टमेंट्स, नाइस। ये क्या है, फूड कंटेनर ला भाई, इसे तो वेरीफाई नहीं किया मैंने। $15 का ये भी है भाई साहब, पैसा ही पैसा बनाऊंगा मैं आज। ये बोर्ड गेम मस्त है यार, ये $55 समथिंग का है। संदूक भी रखो भाई बड़ा वाला। अरे गिर गया, अरे गिरो मत यार प्लीज़ यार ये अरे कैसे लेके जाऊँ मैं। चलो मैट्रेस फिट हो गई, बढ़िया। अब तो आराम से हो जाएगा ये सारा सामान सेट। ओ नो नहीं हो रहा यार ये सामान सेट, ये दिक्कत कर रहा है नीचे। रुको यार इसको हटाओ, अरे क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है मुझे। ले भाई एक सेकंड, मेरा फ्लावर पॉट कहाँ गया, मैंने अभी तो रखा। यार इस गेम में ग्लिचेस बहुत है, मैं कह नहीं रहा अभी। ओ ये तो रहा फ्लावर पॉट, पहले तो ये एडजस्ट करते हैं इधर। फिट हो जा ब्रो, अभी तो तू हो गया था जैसे तैसे फिट। ओके आराम से, यस दिस इज़ बेटर, दिस इज़ मच बेटर भाई। अब इसे यहाँ रखो, इस संदूक को भी यहीं कहीं एडजस्टमेंट कर देते हैं, बढ़िया। और ये बोर्ड गेम आ जाएगा। ओ गिरो मत यार प्लीज़। अरे वो संदूक नहीं मान रहा भाई। ये कितने का है ये बॉल? $22 का, वाओ। अरे ये सब गिरे ही जा रहा है भाई, कुछ नहीं रुक रहा। कॉमिक बुक्स भी महंगी है, इन्हें भी संभाल के रखना पड़ेगा। अरे ये मैट्रेस कांप क्यों रही है? तो मैंने स्टोरेज पूरा क्लियर कर दिया है। अरे ये बॉल कहाँ लुढ़क के आ गई? ओके इसको भी रख देते हैं यहाँ पर कहीं। अरे बॉल रुक जा यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। नहीं भाई वो बॉल नहीं रुक रही। एक काम करते हैं, ये सारे आइटम्स रख के आते हैं, फिर इन दोनों को लेके जाएंगे। एक तो वो बास्केटबॉल, और एक जो ये संदूक है बड़ा सा। घर निकलते, अरे ले फिर कुछ गिर गया यार। गिरता ही रहेगा क्या सामान जिंदगी भर? कॉमिक बुक गिर गई यार, गिर मत भाई कॉमिक बुक, आई रिक्वेस्ट यू। ओके बढ़िया, अब गिर मत जाना भाई कुछ भी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आराम से अभी क्विकली घर चलते हैं। अब मेरा फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है यार, मेरे घर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? फ्यूल तो आएगा सभी, ख़त्म नहीं होने वाला इतनी जल्दी। एक ट्रिप तो लगी जाएगी घर से यहाँ तक, कल तो घर चलते हैं क्विकली। अब तो रास्ते भी थोड़े बहुत याद होने लग गए हैं मुझे। सारे आइटम्स ट्रांसफ़र मारो भाई, एंड देन वापस से वो सारे आइटम्स लेने के लिए चलो, और फिर आराम से बेचेंगे इन सारे आइटम्स को। देखते हैं गाइस इस बार प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। 157 समथिंग में मैंने ख़रीदा है। 1 बज रहे हैं दोपहर के, पहले एक काम करते हैं फ्यूल स्टेशन से फ्यूल भरवा के। बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है इसमें, ख़त्म ही होने वाला है बिल्कुल ही। रास्ते में गाड़ी बंद ना पड़ जाए, किसी दिन मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा इस गेम में प्रोग्रेस करके। ओह ये एम्यूनेशन की भी शॉप है, क्या बात है भाई, बंदूक भी खरीद सकते हैं। फ्यूल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है यार, जल्दी जाना पड़ेगा जल्दी। यही है क्या? हाँ यही तो है, फुल कर देते हैं टैंक फुल। भाई साहब $39 का टैंक फुल। देखो अब मेरे पास $20 है, मैंने टोटल स्टोरेज पे खर्चा किया $157 का। अब देखना ये है कि प्रॉफिट कितना होता है, किसी ने चुराया तो नहीं मेरे आइटम। रखो भाई अब इस संदूक को रखो, $15 का है, और परेशान इसने ऐसे किया जैसे पता नहीं कितने $100 का होगा। इस बास्केटबॉल को भी बंद करो, इसे कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। ओ भाई साहब क्या ड्रिफ्ट लगा रहे हो यार इस गेम में भी। एक और ड्रिफ्ट लगाऊंगा, तुम लोग देखना। हियर वी गो,
क्या बात है, ड्रिफ्टिंग के भी पैसे मिलते तो मैं अभी तक अमीर हो चुका होता इस गेम में। चलो इन आइटम्स को भी अब अपने इस गैराज में शिफ्ट कर देते हैं। अब बारी है ऐप पे ये सब बेचने की, देखते हैं सब कुछ कितने में बिकता है। ओ वेट, मैं प्राइस भी सेट कर सकता हूँ क्या? आई हैव नो आइडिया। और रुको बे, आइटम्स लगाते सब बिकने भी लग गया, मैं प्राइस सेट नहीं कर सकता क्या? हेलो, ओ यस, ये तो रहा। अरे कैसे कैसे, अरे मैं सब कुछ हटा रहा हूँ यार यहाँ से। जब प्राइस सेट कर सकते हैं तो प्राइस सेट करके लगाएंगे यार। यस, ये $12 का है वैसे तो, लेकिन $16 में। ये $22 का है वैसे तो, लेकिन $30 में। ये मैट्रेस तो मैंने रिपेयर कर दिया, इसका तो $50 मिलना चाहिए। ये गिटार तो भाई साहब कम से कम $70-80। कॉमिक बुक तो ये $12-13 की जानी चाहिए। अरे ये तो $55 का जाना चाहिए। बंदे खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये फूड कंटेनर कम से कम $24। ये बोर्ड गेम $60-62। ये क्या है, प्लांट। रेडियो है कोई पुराना। और ये ब्लू टेप, देखते हैं। मैंने इसके $16 बोले हैं, ये बंदा $13 दे रहा है, ठीक है। मैंने इसके $30 बोले हैं, ये बंदा $23 दे रहा है, ठीक है। मैंने $50 बोले, यार $1 तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं मार्केट वैल्यू से, पर ठीक है, फिर भी ठीक है, फायदा तो है ही। ओ ये तो मेरी वैल्यू से ज़्यादा ही दे रही है कॉमिक बुक के। मुझे क्या लग रहा है कॉमिक बुक के और मिल सकते हैं, 58 दे रही थी वो, देखते हैं कोई क्या पता इससे भी ज़्यादा दे दे। ओके रेडियो भी बेच देते हैं, ब्लू टेप। अब अल्लाह भाई कॉमिक बुक नहीं ले रहा कोई 58 में। अरे ले लो यार 58 में ही ले लो, चलो बस एक कॉमिक बुक और बिक जा, मज़ा ही आ जाएगा यार। चलो $52, चलो छोड़ो $377, $20 मेरे पास पहले से ही थे, मतलब $357, ऑलमोस्ट $350 का प्रॉफिट जनरेट किया मैंने $157 की स्टोरेज यूनिट पे। आर यू क्रेजी, क्या एपिक है ये गेम, आई लव इट भाई, मुझे मजा आ रहा है इस गेम में, डेफिनेटली मजा आ रहा है। तुम लोगों को भी मजा आया तो यार जाओ भाई, जाओ मतलब वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल, गुड बाय।